सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने 100 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले एक ऐसे खनन माफिया को दबोचा है जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 7 साल से बार बार अपने ठिकाने बदलकर व जिम्बाब्वे देश के सिम कार्ड इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी इतना शातिर था कि इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो जाने पर जांच एजेंसियों से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन, हवाई जहाज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की बजाय सड़क मार्ग से ही देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पजेरो कार में घूम रहा था। साथ ही जिम्बाब्वे देश के मोबाइल नंबरों से ही अपने खास लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप से कॉल करता था। फरार रहने के दौरान आरोपी कहीं भी 24 घंटे से अधिक समय नहीं रुकता था, लेकिन जो पकड़े जाने पर खुद हैरान था कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसे खोजा कैसे। ठग की पहचान वसंत विहार निवासी 70 वर्षीय प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली से सुल्तानपुर गांव में स्थित एक मॉल का मालिक भी है। संयुक्त आयुक्त छाया शर्मा ने बताया कि आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता के खिलाफ शकुंतला नाम की महिला की शिकायत पर दिनांक 2 सितंबर 2017 को आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर संख्या 144/2017 धारा 420, 406/120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी प्रदीप पालीवाल ने उसे राजस्थान में ग्रेनाइट खनन के अपने व्यवसाय में 20 करोड़ निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। आरोपी ने आश्वासन दिया था कि इसके बदले वो उन्हें प्रति माह 50 लाख रुपए का भुगतान करेगा। विश्वास में आकर महिला ने दिनांक 28 फरवरी से 23 सितंबर 2014 के बीच 13 करोड़ 45 लाख चेक व आरटीजीएस के माध्यम से और 3 करोड़ 15 लाख रुपए नकद देकर कुल 20 करोड़ रुपए निवेश कर दिए, लेकिन आरोपी द्वारा पैसे नहीं लौटाने पर आरोपी के खिलाफ 2017 में आर्थिक अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज करा दिया था। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपित फरार हो गया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ठिकाने बदल बदल कर छिपता फिर रहा था। आरोपी को दबोचने के लिए संयुक्त आयुक्त छाया शर्मा ने जितेंद्र मीना डीसीपी ईओडब्ल्यू की सुपरविजन व कपिल पाराशर एसीपी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दिनेश दहिया, एसआई अनुराग, एएसआई पप्पू सिंह, विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल लोकेश डॉली, अमित कुमार व कांस्टेबल तेजपाल की 4 टीमों का गठन किया। आरोपी इतना शातिर था कि ठगी करने के बाद सबसे पहले अपने सभी मोबाइल नंबर बंद करके अंडरग्राउंड हो गया था। साथ ही सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी और हर थोड़े समय के बाद अपना ठिकाना बदलने लगा। इंस्पेक्टर दिनेश दहिया की टीम आरोपी को दबोचने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसआई अनुराग ने आरोपी की पूरी फैमिली के साथ उसके दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के मोबाइल पर आने और जाने वाली लगभग 4000 फोन कॉल नंबरों को खंगाला ताकि कब कहां से किसी के पास आरोपी का फोन आ जाए और कोई क्लू मिल जाए, लेकिन सारी मेहनत बेकार। टीम ने आरोपी की पत्नी के नंबर को भी रडार पर रखा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी के नंबर से यह पता चलता था कि यह कुछ लोगों से तो बात करती है, लेकिन जितने भी लोग थे सब रिश्तेदार थे। आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता शायद किसी नंबर पर बात नहीं कर रहा था। टीम अंधेरे में थी। धीरे धीरे काफी समय निकल गया, लेकिन टीम लगी हुई थी कि किसी भी हाल में आरोपी को दबोचना था। टीम के सामने अब ले देकर एक ही करैक्टर बचा था जिसके साथ आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश क्लोज भी था, वो थी उसकी एक महिला मित्र। तो टीम की अब पूरी उम्मीदें उसकी महिला मित्र पर टिकी हुई थी। जितेंद्र मीना डीसीपी ईओडब्ल्यू को पूरा भरोसा था कि आरोपी अपनी महिला मित्र से जरूर संपर्क करेगा। अब सारी उम्मीदें उसकी महिला मित्र पर टिक गई थी। टीम ने आरोपी की महिला मित्र के सभी नंबर ट्रेस करके अपने पास रखे और हर नंबर की बातचीत को चुपचाप सुनते भी थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक रोज आरोपी की महिला मित्र के मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आती है। चेक करने पर टीम को पता चला कि इंटरनेशनल नंबर जिम्बाब्वे देश का है, लेकिन आईपी एड्रेस से पता चला व्हाट्सएप कॉल दिल्ली के शाहदरा इलाके से आई थी। टीम आरोपी की महिला मित्र के मोबाइल पर आने वाले हर नंबर को क्रॉस चेक करती थी, लेकिन यह नंबर नया था। टीम ने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर की नॉर्मल कॉल हिस्ट्री खंगाली तो कुछ नहीं मिला, लेकिन व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री खंगालने पर टीम के सामने बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल आरोपी की महिला मित्र अपने फोन को फ्लाइट मोड पर लगाकर वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल किया करती थी, लेकिन उस दिन शायद फोन को फ्लाइट मोड पर करना भूल गई थी, जिससे नंबर पकड़ में आ गया। अब आर्थिक अपराध शाखा की टीम हैरान कि आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश की महिला मित्र को फोन फ्लाइट मोड करके वाईफाई से इंटरनेशनल नंबर कॉल करने क्या जरूरत है। संयुक्त आयुक्त छाया शर्मा को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो फोन को फ्लाइट मोड पर लगाकर इंटरनेशनल नंबर पर वाईफाई से कॉल करने के पीछे कोई न कोई राज जरूर है।
सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न इस नंबर को टटोला जाए। टीम ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से संपर्क कर सस्पेक्ट नंबर की डिटेल मंगवाए, लेकिन सस्पेक्ट नंबर प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश के नाम पर नहीं थे। फिर भी टीम ने सस्पेक्ट नंबर को जीरो पॉइंट करके सर्विलांस पर लगा दिया। सस्पेक्ट मोबाइल नंबर की लोकेशन दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल के आसपास की आ रही थी। टीम ने आरोपी की महिला मित्र से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और संयुक्त आयुक्त छाया शर्मा का शक सही निकला। पूछताछ में पता चला कि जिम्बाब्वे देश की इंटरनेशनल सिम से आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता ही उसके पास व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐप से कॉल करता था। साथ में टीम को यह भी पता चला कि आरोपी अपने दोस्त की राजस्थान नंबर RJ14UE0899 की सफेद पजेरो गाड़ी से ही एक शहर से दूसरे शहर छिपता फिर रहा है। कॉल करने के तुरंत बाद आरोपी ने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था, जिससे आरोपी की पिनपॉइंट लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा था। शाहदरा जैसे घनी आबादी भरे इलाके से एक पजेरो कार खोजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इंस्पेक्टर दिनेश दहिया की टीम पीछे नहीं हटी और शाहदरा इलाके में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। लेकिन मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद भी टीम के हाथ कुछ न लगा। अब आरोपी को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर दिनेश दहिया ने दूसरा रास्ता अपनाया। टीम अब खबरियों की दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। बदमाशों को दबोचने के लिए एसआई अनुराग ने शाहदरा इलाके में हर घर, दुकान, ऑफिस, पार्किंग व धार्मिक स्थलों पर खड़ी हर एक पजेरो कार को जांचने की रणनीति बनाई। इंस्पेक्टर दिनेश दहिया यह अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के डिवीजन और सब डिवीजन होते हैं, जिन्हें आगे बीट में बांटा जाता है। एक कांस्टेबल को एक बीट मिलती है और कांस्टेबल जिम्मेवारी होती है कि वो अपने इलाके के हर इंसान की पूरी जानकारी रखे। जितेंद्र मीना DCP EOW ने शाहदरा इलाके के चप्पे चप्पे को छानने के लिए बीट कांस्टेबलों की मदद ली। टीम ने बड़े स्तर पर शाहदरा इलाके में राजस्थान नंबर RJ14UE0899 की सफेद पजेरो गाड़ी कार को खोजने का सर्च अभियान चलाया। टीम की मेहनत रंग लाए। सस्पेक्ट पजेरो गाड़ी क्रॉस रिवर मॉल के आसपास स्पॉट हो गई। सफेद पजेरो कार से आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता को दबोच लिया गया। कार में इसके साथ उसका सहयोगी विनायक भट्ट भी था। विनायक भट्ट को भी पिछले काफी समय से CBI की टीम धोखाधड़ी के एक मामले में खोज रही थी। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने विनायक भट्ट को CBI को सौंप दिया। आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता ने बताया कि उसे लगता था कि वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं लगेगा, इसलिए पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपने नाम पर लिए सभी पुराने नंबर बंद कर दिए थे और सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी। साथ ही उसे यह भी लगता था कि अगर मोबाइल को फ्लाइट मोड पर ऑफ करके वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल की जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पकड़े जाने जाने पर खुद हैरान था। गिरफ्तारी के समय आरोपी ने टीम से पूछ बस इतना बता दो मुझे खोजा कैसे। 70 वर्षीय आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता पुत्र रमेश चंद पालीवाल मकान नंबर B9/13 वसंत विहार नई दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी प्रदीप पालीवाल ने 11वीं तक सेंट इंसलान स्कूल अजमेर से पढ़ाई की है। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अजमेर में अपने पिता के स्टील और लोहे के कारोबार में शामिल हो गया। वो 11 कंपनियों में डायरेक्टर है, एक तरह से कहीं तो वो 11 कंपनियों का मालिक है। ये सभी कंपनियां रियल एस्टेट बिजनेस व ग्रेनाइट और मार्बल की माइनिंग से जुड़ी हुई है। पिछले 20 वर्षों से वो अजमेर राजस्थान में ग्रेनाइट खनन और रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रहा है। कई तरह के व्यवसाय के बाद उसने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी शुरू किया था। 2007 में उसने राजस्थान में होलीस्टार इंफ्रा लिमिटेड के नाम से ग्रेनाइट खनन का व्यवसाय भी शुरू किया। उसका अपने परिवार से अच्छे संबंध नहीं है। पिछले 8 साल से वो पत्नी और बेटियों के साथ नहीं रह रहा है। फरार रहने के दौरान उसके दोस्त विनायक भट्ट ने उसकी सहायता की। आरोपी प्रदीप पालीवाल उर्फ महेश गुप्ता ने वर्ष 2006 में जाली कागजात की मदद से अपने नाम पर एक HSIDC प्लॉट पंजीकृत कराया। उक्त मामले में उसके खिलाफ उद्योग विहार गुरुग्राम में प्राथमिकी दर्ज की गई। 2015 में उसने HDFC बैंक के पास पहले ही गिरवी रखी संपत्ति पर 12 करोड़ का लोन लिया। करोलबाग थाने में उक्त मामले में मामला दर्ज है। उक्त मामले को बाद में जांच के लिए EOW में ट्रांसफर कर दिया गया था। 2017 में उसने ग्रेनाइट खनन में निवेश के बहाने शकुंतला देवी से 20 करोड़ ठग लिया। पुलिस के अनुसार प्रदीप पालीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार भाग रहा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला हुआ था ताकि अगर यह विदेश भागने की कोशिश करता है तो उसे एयरपोर्ट से ही दबोचा जा सके। लेकिन प्रदीप पालीवाल इतना शातिर निकला कि उसने न तो ट्रेन का इस्तेमाल किया और न ही रेल का। वो पजेरो कार में सवार होकर देश में एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर काट रहा था।
इतना ही नहीं, इसने अपने कर्मचारी को जिम्बाब्वे भेजकर वहां से 7 से 8 सिम कार्ड एक्टिव करवाकर मंगवाए थे और टेलीग्राम व व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिचितों से संपर्क करता था। एक सिम को 3 से 4 दिन बाद इस्तेमाल किया करता था। प्रदीप पालीवाल अपनी पजेरो कार से ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में घूम रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो एक जगह पर 12 से 24 घंटे ही रुकता था और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में तुरंत ही शिफ्ट हो जाता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।